नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी के डूंडा विकास खंड के बल्ला गांव में आजादी के 7 दशक बाद भी ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिसका नतीजा ये है कि ग्रामीण धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के साथ ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में करीब 300 से 350 की जनसंख्या है और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों को करीब 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके गांव पहुंचना पड़ता है। ऐसे में गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो ग्रामीण उसे डंडी कंडी के सहारा लेकर सड़क तक पहुंचाते हैं, इसके बाद ही मरीज अस्पताल पहुंच पाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सड़क की मांग पूरी नहीं हो पाती है। तो उत्तरकाशी का पूरा मामला है, जहां पर बल्ला गांव में लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। 7 दशक बाद आज तक भी इस गाँव में सड़कें नहीं बनी है, जिससे परेशान होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन का सहारा लिया। आप लोग अगर किसी अधिकारी को हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि बल्ला के लोग जिनके ढूंढर बाजार में रहने का कोई नहीं है, बेरोजगार हैं और वो 1 महीने का कमरे किराए पे लेते हैं। इसलिए बल्ला वालों का अधिकारियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी बल्ला वालों की सड़क की मांग को पूरा करें। पौड़ी मुख्यालय में बद्रीनाथ धर्मशाला में यूकेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नव निर्वाचित चंद्र मोहन गुसाई को यूकेडी केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस अवसर पर जिला सह प्रभारी समीर मुंडे, केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया। साथ ही बता दें, केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत ने संगठन को मजबूत बनाने और बूथ लेवल पर गठन करने की बात कही और इस दौरान पदाधिकारियों ने बीजेपी कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही प्रदेश में भू कानून मूल निवास परिसीमन को प्रदेश के विकास के लिए जरूरी भी बताया है। जो शायद बड़ी कांटों भरी राह होगी और जिसके लिए मैं तैयार भी हूँ और निश्चित रूप से ये मांग रहा है कि हमारी पीड़ा, हमारा जो दर्द है, इसे कौन दूर करे। और एकमात्र कले उपरांत जिसने राज्य को बनाने में जो है अपना बलिदान दिया, अपने जो है माता बहनों का जो है किस तरह से जो है ये जो हमारा क्रांतिकारी जो आंदोलन था, किस तरह उन्होंने अपनी जो है भूख प्यास, किस तरह जो है वो बीहड़ जंगलों में रहकर के आज उपरांत प्राप्त कर पाए हैं। उस लड़ाई में उपरांत हमने पा लिया है, लेकिन सही मायनों ने, उन शहीदों ने जिस सपने के साथ में जैसे उत्तराखंड की जो है न्यू सोची थी, दुनिया सोची थी, जो है भारी लोगों को दे चुके हैं। और भू कानून की जो बात नहीं करते हैं, जबकि जो है हम चाह रहे हैं कि हमारा भू कानून 1950 हिमाचल की तर्ज पर जो है तुरंत जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर ये सरकारें वास्तव में चाहती हैं उत्तराखंड का भला हो, तो क्यों ये जो हमारा भू कानून को जो है इस जो आगामी चुनाव है उससे पहले क्यों नहीं घोषणा कर देती है। पहले तो जनता जनार्दन होती है और मैं सबसे पहले जनता के साथ मीटिंग्स करूंगी। एक जनता अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें किस तरीके से वो लोग हमारी पौड़ी विधानसभा के अंदर देखना चाहते हैं, किस तरीके से उसको आगे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कमियाँ हैं उसको पूरी की जा सकती है। सो दैट क्या है कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए और हमें भी पता है कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा असुविधा है। हमारी सारी कमेटियाँ गठित हो रही है, जिले गठित हो रहे हैं, जिले गठन हो गए, इसी क्रम में पूरी जिला में गठन हो रहा है। हमारे चुनाव की पूरी रणनीति थी, इस टाइम पे हम वो विगत चुनाव की भांति जो विगत हम नहीं कर पाए थे, जो कमियाँ पिछले चुनाव में रही है उन्हें दूर करते हुए इस टाइम हम पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और सबके सामने चुनाव करते हैं।
बस्ती जिले के हरैया करम डांडे गांव में तब हड़कंप मच गया जब संतोष नामक एक युवक ने कहासुनी के दौरान गोली चलाई। पूरा गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वहीं गोली लगने से अंगद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो बता दें, बस्ती का पूरा मामला है जहां पर गोली लगने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। काम डाटे गांव में गोली चलने से हड़कंप मचा और गोली की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी है, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिजनौर के अलग अलग इलाकों में कृषि कानून बिल के विरोध में किसान चक्का जाम प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही कृषि कानून बिल को वापस नहीं लिया गया तो किसान इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस प्रदर्शन का असर दिखेगा। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के आह्वान पर आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर कई जगहों पर देखा जा सकता है। तो बता दें, आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, इसका असर देश भर में देखा जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर असर देखने को नहीं मिला। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का बीते 10 महीने से आंदोलन जारी है, जिसके बाद आज किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था। कई जगह से तस्वीरें ऐसे आई जहां पर भारी जाम जैसी स्थिति भी पैदा हो गई और ऐसे में सभी जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था भी पुख्ता रखी गई है। पुलिस बल भी मौके पर सभी जगह तैनात कर दिया गया है। कल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रीय बंदी बाजार बंदी देशव्यापी बंदी को जो है कामयाब बनाने के लिए जनपद बुलंदशहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें लगभग 12 जगह पर पूर्ण रूप से जाम रहेगा, जिसमें नेशनल हाईवेज पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और स्टेट हाईवे भी जो है उसमें बंद रहेंगे। मुख्य रूप से जो है ऐसे वाहनों को छूट दी जाएगी जो जिनमें स्कूली बच्चे हैं, अंतिम यात्रा वाहन है, ऐसे वाहनों को जो है छूट दी जाएगी, वरना पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और ये राष्ट्रीय आह्वान है, आदरणीय राकेश टिकैत जी के आदेशानुसार पूर्ण रूप से ये जनपद बंद रहे। बुलंदशहर में चक्का जाम की वजह से 12 जगह के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। साथ ही बता दें, बुलंदशहर को 7 सेक्टर में बांटा गया है। भारत बंद के ऐलान के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान हुआ था। साथ ही जितनी भी इमरजेंसी सुविधा है उसमें छूट रहेगी। तो बता दें आपको, आज जगह जगह पर ये भारत बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर इसका असर नहीं देखने के लिए मिला। बुलंदशहर में भी भारत बंद का असर देखने के लिए मिला। भारी संख्या में जगह जगह पर किसान इकट्ठा हुए हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रीय बंदी बाजार बंदी देशव्यापी बंदी को जो है कामयाब बनाने के लिए जनपद बुलंदशहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें लगभग 12 जगह पर पूर्ण रूप से जाम रहेगा, जिसमें नेशनल हाईवेज पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और स्टेट हाईवे भी जो है उसमें बंद रहेंगे। मुख्य रूप से जो है ऐसे वाहनों को छूट दी जाएगी जो जिनमें स्कूली बच्चे हैं, अंतिम यात्रा वाहन है, ऐसे वाहनों को जो है छूट दी जाएगी, वरना पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और ये राष्ट्रीय आह्वान है, आदरणीय राकेश टिकैत जी के आदेशानुसार पूर्ण रूप से ये जनपद बंद रहे। बुलंदशहर में भी आज भारत बंद का असर देखा गया है। बता दें, 12 जगह पर रास्ते बंद किए गए और 7 सेक्टरों में इसको बांट दिया गया। वहीं बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस तरह से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से और काफी ज्यादा असर बुलंदशहर में भी देखने के लिए मिला है, कौन कौन से रास्ते बंद थे और अभी स्थिति कैसी बनी हुई है?
बता दूं, किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनके आह्वान पर आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के चलते आज पूरे जिला बुलंदशहर की सातों तहसीलों को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। भारी तादाद में जो किसान हैं उन्होंने जगह जगह चौराहों को ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो ये आंदोलन है जो चल रहा है जिला बुलंदशहर में, इससे पहले बयान आया था जो कि जो यूनियन के जो जिनके नेतृत्व में ये चल रहा है पूरा प्रोग्राम, उन्होंने कहा था कि जितनी भी इमरजेंसी सेवा है उनको छोड़कर बाकी सारी व्यवस्थाएं ठप रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया वो देखा गया कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो एम्बुलेंस हो या ऑक्सीजन से भरे ट्रक हो, उनको निकलने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल लोकेश, और कहीं ना कहीं किसान हर बार ये कहते नजर आते हैं कि हम आम जनता को परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरह से ये चक्का जाम किया जाता है, भारत बंद किया जाता है, आम जनता ही सबसे ज्यादा इससे परेशान नजर आती है, जिस तरह से आपने भी अभी बताया। लोकेश ये भी जानना चाहूंगी, जहां जहां पर जाम लगा हुआ था जो आपने बताया, वहां अब स्थिति कैसी है? क्या जाम खुल चुका है या सुबह जैसे हालात ही बने हुए हैं? देखिए, सुबह 11 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक का इनका जो है करने का प्लान है। शाम 4 बजे तक ये बैठेंगे इसी तरह धरने पर, जिसकी वजह से इनके साथ में जो समर्थन में आए हुए पार्टी के लोग हैं, वो चाहे हम आम आदमी की बात करें या समाजवादी की बात करें और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों लोग इनके समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही जो मजदूर संघ यूनियन बनी हुई है इनकी, उसकी भी काफी तादाद में महिलाएं इनके साथ यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। जी जी जी, चलिए लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर में भी भारत बंद का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। 12 जगह पर रास्ते बंद कर दिए गए, जाम जैसे हालात पैदा हो गए थे। बता दें बुलंदशहर को 7 सेक्टर में बांट दिया गया था और 4 बजे तक इस भारत बंद का असर देखने के लिए पूरे देश भर में आज मिलने वाला है। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अशोकपुर अरिहन पुरवा मोड के पास गोंडा में बीसी संचालक से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीसी संचालक की बाइक में लुटेरों ने पहले टक्कर मारी और फिर असले की बट से बीसी संचालक पर हमला किया, जिसके बाद लुटेरे रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। लूट की रकम 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सहित कटरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी तहकीकात के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी। गोरखपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के आह्वान के बाद गोरखपुर में किसान बोले कि अगर सर्दी आने के बाद भी किसानों का मामला हल नहीं हुआ तो और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। आपको बता दें कि गोरखपुर में किसानों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते घंटों तक सड़कें जाम रही। तो किसान आंदोलन जो काफी 10 महीने से चल रहा है, ऐसे में आज भारत बंद का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, उसका असर गोरखपुर में भी देखा गया। ये सब तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि पूरा असर भारत बंद का गोरखपुर में भी देखने को मिला है। घंटों तक सड़कें जाम रही, लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ा, आने जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी कि कुल मिलाकर आम जनता ही इससे सबसे ज्यादा परेशान होती नजर आई है। रुद्रप्रयाग में नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में जल संस्थान के पेयजल लाइन से सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसे में स्थानीय लोगों में विभाग के प्रति खासा आक्रोश बना हुआ है। उनका आरोप है कि विभाग के लापरवाही की वजह से उपभोक्ताओं को कीड़े मकोड़े वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ तक कि अब पानी में मरे सांप भी निकलने लगे हैं, जिस वजह से लोगों में भय का माहौल पैदा हो चुका है। बता दें कि सालों से नगर क्षेत्र की जनता दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है और बरसात के दिनों में स्थिति इतनी भयावह बन जाती है कि स्थानीय लोगों को गंदे पानी का सेवन करना पड़ता है। ऐसे में लोग बीमार भी हो जाते हैं। नगर क्षेत्र की जनसंख्या 15,000 के करीब है और ऐसे में सभी को पुनार गदेरे का पानी ही सप्लाई होता है। वहीं जल संस्थान के फीटर नवीन भंडारी ने बताया कि पुनार गदेरे के ऊपर चिन गवार गवार
थापली मोटरमार्ग की कटिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से नगर क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और पेयजल लाइनों से कीड़े मकोड़ों के साथ ही सांप भी निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में पेयजल लाइन खोलने पर मरा हुआ सांप निकला है। सर, ये नलों में जो है कि ऐसे पहले तो ये है कि गंदा पानी आता है, गंदे पानी में फिर ये कीड़े मकोड़े और ये सांप निकलते रहते हैं, क्योंकि हमारे व्यवसाय होटल का है, अब लोगों को हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, है कि नहीं। सर, ऐसा हुआ 2 दिन से मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, मेरे पता नहीं क्या कारण है। आज संडे था, दुकान बंद थी, मैं यहाँ पर पानी खोला है तो ये जल संस्थान के एक होटल साहब भी आ गए। मैंने कहा इनको बोला, मैंने मेरे सुख चेक करो इसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। अब वो पानी प्रेशर चल रहा है पर आ नहीं रहा, उसमें खोले तो सांप सीधा आधा बाहर आ गया। वो सांप जो है आधा टूट रखा था, वो भी हमने बाहर खींच दिया है। और ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि ये सीधे सीधे जो है करोड़ों रुपये आ रहे हैं फिल्ट्रेशन के जल संस्थान के पास, लेकिन जो है ये आम जिंदगी जो है लोगों की जो है ख़राब कर रहे हैं इस प्रकार का पानी पिला के। और ये मेरे घर का नल है, कनेक्शन है घर का, हम इसी नल का पानी पीते हैं और इस प्रकार से हमें पिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बीमारी ज़्यादा इन्हीं की वजह से हो रही है। ये बीमारी कुछ नहीं है, ये सब ही कर रही है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार के मंगलौर में आयोजित सभा में पहुंचे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए पहुंची और इसके बाद चंद्रशेखर ने मंगलौर में स्थित काजी मुनीश के आवास पर प्रेस को संबोधित भी किया, जहाँ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भीम आर्मी पुरजोर चुनाव लड़ेगी और खास तौर पर हरिद्वार जिले की सभी सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और किसी अन्य पार्टी से गठबंधन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये फैसला उत्तराखंड प्रभारी करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होगा। आजाद समाज पार्टी बीजेपी सरकार ने केवल पिछड़े और मजलूम लोगों का उत्पीड़न किया है, ये सरकार केवल दलित और मुसलमान समाज के लोगों के वोटों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आज मंगलोर की धरती पे जो जन सैलाब उभरा है वो इस बात की गवाही दे रहा है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि जनता आजाद समाज पार्टी के साथ है, यही जनता वोट देती है। और जितने लोग आज यहाँ आए थे वो तो 2 विधायक बना दें मुझे ऐसा लगता है, और अगर उनके परिवार के लोग भी साथ खड़े हो जाएं तो 5 विधायक बन जाएंगे। इतने तो लोग आज यहाँ मौजूद थे जो सैलाब यहाँ था। मैं मानता हूँ कि आजाद समाज पार्टी जो काम कर रही है, भीम आर्मी ने जो मेहनत की है पिछले 5 साल में, जो विश्वास बनाया है अपने संघर्ष की बदौलत, उससे आजाद समाज पार्टी के प्रति जनता में समर्थन है और जनता के वोट से आजाद समाज पार्टी हरिद्वार में, अभी हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं उत्तराखंड की नहीं, हरिद्वार में बड़ी ताकत बनेगी। हमारा काम पहाड़ में भी चल रहा है और पहाड़ में बहुत जल्दी हम इससे बड़ी रैली करके आप लोगों को दिखाएंगे। पूरी साजिश है और मैं साजिश का पर्दाफाश कर देता हूँ। सारी एजेंसियाँ सरकार के सारे पे काम करती हैं, आप सब जानते हैं। यूपी चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे 4.5 साल में उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा हो। तो माहौल बनाने के लिए वो ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर आए, अपने हक के लिए वो सड़कों पर आए और बीजेपी के लोग, सरकार के लोग उन पर गोलियाँ चलाएँ और एक माहौल बनाए हिंदू मुसलमान का। लेकिन जनता जो है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो तमाम लोग जो उन्होंने 7 साल की केंद्र की सरकार और जो 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की सरकार देखी, वो लोग टूट चुके हैं, उनका विश्वास चरमरा चुका है। पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज नगला डेयरी फार्म में ठेके में काम करने वाले मजदूरों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। इस बैठक में उन्होंने कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप, विधायक राजेश शुक्ला और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट की तरफ से सीधा सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि बीजेपी की सरकार के समय पंतनगर में ठेके में जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों का बहुत शोषण किया जा रहा है और उनको महीने में 15 दिन ही काम दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, इसके लिए हमने पहले ही धरना प्रदर्शन किया था कि ठेके के कर्मचारियों को महीने में 26 दिन ड्यूटी दी जाए जिससे ये अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर सकें। पंतनगर नगला डेयरी फार्म में हम लोग कांग्रेस की यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पन्नगर के अंदर हमारा ठेका मजदूर कर्मचारियों का आज बहुत शोषण हो रहा है और 2003 के बाद
इनका शोषण चालू हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त हुआ, और 2003 के पहले के हमारे बहुत सारे साथी हैं उनको आज ठेके में यहाँ जबरदस्ती काम करने को मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, 10 साल से यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं किसी क्षेत्र में यहाँ ना कोई यहाँ पन्नगर के अंदर विकास की बात रही। हम लोगों ने यहाँ पन्नगर आकर धरना प्रदर्शन भी करा, इसी डेयरी फार्म में हमने धरना प्रदर्शन करा कि 26 दिन का हमारे ठेका कर्मियों को रोजगार मिलना चाहिए, और हम घंटाघर जाके भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उस दिन माननीय विधायक हमारे आए और उन्होंने कहा नहीं साहब, आप 15 दिन 16 दिन भी दे दो तो चलेगा। हम लोगों का मकसद नंगला डेयरी में इसलिए खड़े हुए, हम ये चाहते हैं आपके स्थान के ही लोग, आपके स्थानीय लोगों को में से ही जो आपके सुख दुख में हमेशा 24 घंटे काम आता हो, ऐसे आने वाले लोगों को मौका देने की आवश्यकता है। यहाँ के स्थानीय विधायक विगत 10 साल से क्या काम कर रहे हैं ये सबके सामने है। केवल अब तो बरसात खत्म होगी, जुमलों की बरसात करने जा रही है सरकार, अब आने वाले 3 महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली, ये सब जुमलेबाजी है, कार्य कुछ नहीं होना है। 3 मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर लगभग बदल दिए हैं, इन विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा, जनता जान चुकी, महंगाई चरम सीमा पर। धन्यवाद। देखिए ये बैठक इसलिए है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, ठेका कर्मियों से लेकर पन्नगर विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब हालत में है। ना पन्नगर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, ना राज्य विश्वविद्यालय में है, इसको चुनावी जुमलेबाजी से देखा जा रहा है। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा होकर मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए स्थानीय जो नेता हैं हमारे कांग्रेस के, उन सबको 2022 में किसी को विधानसभा में जाने का प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का भारत बंद डोईवाला में सफल रहा। किसानों को स्थानीय व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया तो कांग्रेस भी खुलकर आज किसानों के समर्थन में उतर आई। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा, सुरेंद्र सिंह बॉबी और कांग्रेस नेता गौरव चौधरी ने कहा कि किसानों के समर्थन में अब पूरे देश के लोग आने वाले हैं। आज जिस तरह से व्यापारियों के भारत बंद को अपना समर्थन दिया है वो दर्शाता है कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ अब लोग एकजुट होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए और MSP पर गारंटी नहीं दी तो सरकार को वोट की चोट से सबक सिखाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।